हेलो बच्चों, आज मैं आपको बताऊंगी कि आपको इस बचे हुए टाइम में कैसे पढ़ाई करनी है। तो मैं यहाँ पर 5 पॉइंट डिस्कस करूंगी जो आपको फॉलो करने हैं ताकि आप अपना स्कोर बेटर कर सकें और कॉलेज ले सकें। तो सबसे पहले आपको जो काम करना है वो आपको एनसीईआरटी की रीडिंग लगानी है। स्पेशली बायो और केमिस्ट्री को आपको एनसीईआरटी से रीड करना है। कोशिश करिएगा कि स्टार्टिंग से एक बार आप सारे चैप्टर रीड कर सकें, और आप 2-3 बार पढ़ चुके हैं पहले, तो अब आप रीड करेंगे तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो बायो और केमिस्ट्री की आपको रीडिंग करनी है एनसीईआरटी से, ठीक है। फिज़िक्स को क्वेश्चन अटेम्प्ट पे और फार्मूला पे ज़्यादा फोकस करना है, बाकी बायो और केमिस्ट्री को एनसीईआरटी से रीड करेंगे। सेकेंड पॉइंट क्या है कि आपको जो भी बायोलॉजी में चार्ट्स दिए हैं और डायग्राम दिए हैं, वो सारे चार्ट और वो सारे डायग्राम आपको प्रिपेयर करने हैं 11th और 12th दोनों की एनसीईआरटी के। आपको सारे चार्ट और डायग्राम प्रिपेयर करने हैं, आपको याद होने चाहिए टोटली कि ये जो डायग्राम अगर देंगे तो उसकी नेमिंग, जो चार्ट हैं, वो जो एग्ज़ाम्पल हैं, वो सारे आपको याद होने चाहिए। हमारा तीसरा पॉइंट है कि आपको डेली प्रैक्टिस करने हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन कैसे आपको प्रैक्टिस करने हैं, पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। कम से कम लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन आपको ज़रूर लगाने हैं, और ये टाइम ड्यूरेशन के अंदर लगाने की, आपको 3 घंटे का टाइम सेट करना है जब भी सुटेबल हो आपके लिए, और आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट है एनालिसिस। एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको पता चले कि आपके कौन कौन से चैप्टर हैं जो कंप्लीट हैं, और कौन कौन से चैप्टर हैं जिनमें आप कंफ्यूज़ हो रहे हैं, जिनमें आपको डाउट हो रहा है। तो आपको एनालिसिस करनी है डेली बेसिस पे, जैसे भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं उसके बाद आपको अपने पेपर की एनालिसिस करनी है, और ये टाइम शेड्यूल आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, बट एनालिसिस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इसे मिस मत करिएगा। उसके बाद आपको रिवीजन करना है। मान लीजिए आपने 1 हफ्ते पहले कोई चैप्टर पढ़ा था, और 1 हफ्ते का टाइम आपने उसे नहीं दिया, 1 हफ्ते में आपने उसे कब नहीं पढ़ा, रिवाइज़ नहीं किया, तो आप सारा भूल जाएंगे। तो आपको रिवीजन भी करना है डेली बेसिस पे, यानी कि आपने 2-3 दिन पहले कोई चैप्टर पढ़ा है, 3 दिन में आपने नया कोर्स पढ़ा है, उसके पहले जो आपने पढ़ा है वो आपको रिवीजन करना है। तो आप रिवीजन और एनालिसिस ये सारे अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग करिएगा, लेकिन जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आप, तो वो 3 घंटे का टाइम अलार्म क्लॉक में सेट करके आप प्रैक्टिस करेंगे, ताकि टाइम ड्यूरेशन और टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे, बाय बाय।